फिर से एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। और अभी आपने वेंटर कैंप के द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में योग की कई विधाओं के बारे में जाना, और आने वाले दिनों में भी ये योग की प्रक्रियाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा कि जैसा कि अभी देखने में आया कि कतिपय विद्यालयों के बच्चे चेयर और टेबल पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि योग जो होता है वो आपके ग्राउंड में होना है और बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ना कि खाली म्यूट स्पेक्टेटर बन करके, मूक दर्शक बन के देखें। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो भी योग की क्रियाओं को साथ ही साथ करें, क्योंकि ये एक क्रियाकलाप है और एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में आप सबका भागीदार होना आवश्यक है। तो जो भी बच्चे चेयर और टेबल में बैठे हुए थे, तो उम्मीद करेंगे कि कल से वो भी ग्राउंड में आप दरी का यूज करिए, क्योंकि फर्स्ट टू सेशन जो हमारे हैं, पहले और दूसरा सेशन जो हमारा है योग का और जुम्बा का, तो वो सारा इसी से रिलेटेड है। आप उसको जब खुद करेंगे तो आप उसमें एक्टिव होंगे और आपको बहुत आनंद आएगा बजाय देखने के। तो ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आप इस तरीके से पूरे ग्राउंड का यूज करके, ना कि टेबल और चेयर का यूज करें। और अब आज के दूसरे सत्र में हमारे बीच हैं देवेश बिजलवाण जी, मशहूर कोरियोग्राफर, और आप नए नहीं हैं इस मंच पे, क्योंकि इससे पहले समर कैंप में भी आपने देखा होगा बिजलवाण जी ने अपनी सेवाएं यहाँ पे दी और बहुत सराहा गया सारे विद्यालय के द्वारा, सारे बच्चों के द्वारा, बहुत आनंद लिया गया, बहुत एंजॉय किया गया। और बल्कि ये भी मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा ये बात कि इनका जो सत्र था वो कुछ दिनों का था, तो जब आप सबकी डिमांड पे कहें इस सत्र को बढ़ाया गया और फिर से बिजलवाण जी का सत्र जो था उसको बढ़ाया गया, और उसमें फिर और नई चीजें जुम्मा की आपके द्वारा बच्चों को बताई गई, और फिर से एक बार इस विंटर कैंप में भी हमारे बिजलवाण जी आपके साथ होंगे आने वाले 2 या 3 सत्रों में, 3 4 जो भी आपका टाइम टेबल होगा जिस हिसाब से भी। तो मैं पुनः पूरे शिक्षा विभाग की ओर से, आप सभी विद्यालयों की ओर से बिजलवाण जी का इस स्टूडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और आप सब बच्चे तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और बिजलवाण जी के बारे में कहना चाहूंगा कि काफी कुछ कोरियोग्राफी के बारे में, बहुत जो आपने देखा होगा समर कैंप में भी काफी कुछ चीजें उन्होंने बताई, और आज उम्मीद करेंगे कि इस विंटर कैंप में भी हमारे सारे विद्यालयों के बच्चे उनकी कोरियोग्राफी से लाभान्वित होंगे। जो डांस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन बच्चों को भी, और जो प्रतिभाएं हमारे क्षेत्रों में छिपी हुई हैं वो प्रतिभाएं भी निखर कर सामने आएंगी, ऐसे उम्मीद करते हैं। तो मैं अब माइक देना चाहूंगा श्री बिजलवाण जी को कि वो आज के इस द्वितीय सेशन की शुरुआत करेंगे। श्री बिजलवाण जी, हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश बिजलवान है। मैं आपकी विंटर कैंप में जुम्बा की क्लासेस लूंगा। प्लीज आप लोग खड़े हो जाइए, बिकॉज आप डांस बैठे बैठे नहीं कर सकते। जितने भी स्कूल्स हैं सारे बच्चे खड़े हो जाइए, बैठ के नहीं हो पाएगा डांस। मैं आपको क्लास का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहेगा, स्टार्टिंग में हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। आपने अभी योगा में एक्सरसाइजेस करी है तो मेजरली आपने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट मैं आपको स्ट्रक्चर बताने के लिए एक और बार थोड़ी एक्सरसाइजेस करवाना चाहता हूँ। कि क्लास का एक स्ट्रक्चर होता है कि हम स्टार्ट हमेशा एक्सरसाइजेस से करते हैं, उसके बाद हम डांस में जाते हैं, कि हमारे को इंजरीज ना हो, चोटें ना लगे बॉडी में। ओके, आप अगर इंजॉय कर रहे होगे तो आप मेरे को हाथ हिला के बोल सकते हैं हर गाने के बाद। ओके, कैसे? हाथ हिला के, हाथ ऊपर करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो उससे मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा, ठीक है? ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीवन? ओके, जो वहां पर टीचर्स है क्लासेस में, अगर वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगी करने की। ओके रेडी एवरीवन, स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइजेस से, उसके बाद हम सीधा डांस में जाएंगे। ओके लेट्स गो। ओके स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस से करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला आपको, मेनली कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज होती है कि जो आपकी बेसिक स्ट्रेचेज होती है, आपके जॉइंट के मूवमेंट होती है वो खोल देती है। ओके ओके वी स्टार्ट। Thank you.
ये बेसिक एक्सरसाइजेज होती है, मैंने ज़्यादा नहीं कराई क्योंकि बहुत आपने पहले ही योगा कर लिया है। तो स्ट्रक्चर ये रहता है कि आप पहले एक्सरसाइजेज करते हो, उसमें आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, बॉडी की जो मसल्स होती है, आपके जो जॉइंट की मूवमेंट होती है वो खुल जाती है। ओके, जो जो बॉडी की स्टिफनेस होती है वो निकल जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं कर रहा हूँ बस आपको कॉपी करना है और एक चीज़ ध्यान में रखना, बस आप इंजॉय करना। ठीक है, भूल जाना अभी कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ इंजॉय करो। ठीक है, डांस करो, कौन देख रहा है पता नहीं, ठीक है, इंजॉय करना है। ओके ओके ओके, वी स्टार्ट। देख तेरा रंग सांवला हुआ मामला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, बोलती मन में तो हम क्या मामला, कुछ भी कहा नहीं जाए पूरा लंदन तुम किदा, तो कहती बिग बैंड
ये वाले दिन बैलगाड़ी पे कबूतर वाले की ओ मैं माफी रिती बुला पिचेर का रंग है बिरंगी रची तो साम के सनूते लगता सौदा तो चंगी जगह कोई नहीं है बतिया तू कहीं दिख बे पूरा लंदन घूम के ओ जदो नज पहे पूरा लंदन घूम के तू कहीं दिख बे पूरा लंदन घूम के ओ जदो नज पहे पूरा लंदन घूम के जिंदगी लाभी रख I'm
ओके हेलो, एंजॉय किया आप लोगों ने? एंजॉय किया? आप हाथ हिला के बता सकते हैं। कोई छुट्टी तो नहीं करेगा? कोई छुट्टी तो नहीं करेगा? ओके होप तो आप लोगों ने एंजॉय किया हो, मैंने तो बहुत किया आप लोगों को देख के। ओके बाकी कल मिलते हैं और अलग टाइप के गाने यूज करेंगे, प्लीज कुमाऊं नहीं यूज करके गाने। ओके बाय बाय फॉर टुडे, यू टुमारो, एंजॉय योर स्टडीज आफ्टर दिस। ओके थैंक यू वेरी मच।